हे फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही शानदार सा एक बर्ड हाउस पेंट करूंगा, यानी कि एक बहुत ही शानदार सा एक पक्षी का घर पेंट करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि आज का जो पेंटिंग होगा वो होगा एक बर्ड हाउस का पेंटिंग, यानी कि एक पक्षी का घर का एक पेंटिंग आज मैं करूंगा। तो ये पेंटिंग बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल सा होगा, लेकिन ये जो पेंटिंग है एक बहुत ही शानदार सा पेंटिंग होगा। तो ये पेंटिंग करने के लिए जो जो स्टेप्स हमको फॉलो करना है वो स्टेप्स भी बहुत ही सिंपल सा है। वो स्टेप्स क्या है कि हमको जो पेंटिंग करना होगा वो जो सबसे पीछे वाला चीज़ है वो हमको सबसे पहले पेंट करना होगा। और हर पेंटिंग का यही एक रूल्स है, मैं इसी रूल्स को फॉलो करके सभी पेंटिंग्स को करता हूँ। तो इसीलिए आज का ये जो पेंटिंग है ये भी देखिए मैं इसी रूल से ही कर रहा हूँ। आपने देखा कि मैंने पहले जो दूर का चीज़ है वो मैंने पहले पेंट कर लिया है। दूर का चीज़ क्या है? दूर का चीज़ है कि जो दूर में जो आसमान है, दूर का जो पेड़ है पीछे का, ठीक है, तो वो सब पेड़ है लेकिन वो ब्लर दिख रहा है, यानी कि बिल्कुल भी क्लियर नहीं दिख रहा है। तो इसलिए मैंने क्या किया है, आसमान का कलर दिया तो है, जो पेड़ का कलर है वो तो दिया तो है, लेकिन उनको मैंने मिला दिया है ताकि ऐसे देखने में लगे कि वो ब्लर हो गया है, ठीक है। तो ऐसा पेंट कर देने के बाद अभी देखिए ये जो पेड़ है, यानी कि जिस पेड़ के साथ ये जो बर्ड्स का हाउस है उसी पेड़ को हमने पेंट कर दिया है, क्योंकि वो पेड़ भी पीछे का है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो जो पीछे का चीज़ है वो आपको पहले पेंट करना होगा। तो सबसे पीछे का चीज़ है हमारा वो जो बैकग्राउंड, उसके बाद है ये जो पेड़, अब उसके बाद है ये जो हमारा घर। तो अभी देखिए बैकग्राउंड पेंट कर दिया है और पेड़ भी पेंट कर दिया है, अभी जो हमारा जो घर ये बाकी है। तो अभी इसको पेंट करने के लिए देखिए हमको क्या करना चाहिए, घर का जो कलर है, यानी कि मैं आपको पहले ही बोल दूँ कि हमारा जो ये घर है ये लकड़ी का घर है, ठीक, लकड़ी का कलर, यानी कि हमको ब्राउन कलर देना होगा। तो ब्राउन कलर देने के लिए हमको क्या करना होगा, देखिए हमको ये ध्यान में रखना होगा कि ये जो हमने घर जो पेंट कर रहा हो ये घर का जो दो हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पर एक हिस्सा है जो जिस हिस्से में लाइट्स ज़्यादा गिर रही है और जहाँ पे लाइट्स कम गिर रहा है। तो जहाँ पे लाइट्स कम गिर रहा है वहाँ पर हमको जो ब्राउन कलर है वो थोड़ा डीप करके देना होगा, और जहाँ पे लाइट्स ज़्यादा गिर रहा है वहाँ पर ये जो ब्राउन कलर है वो थोड़ा सा लाइट करके देना होगा। अब ये जो ब्राउन कलर है ये हम लाइट कैसे करें, तो ये आप ध्यान से समझिए। देखिए ब्राउन कलर लाइट करने का आपको दो तरीका है, एक तो है आप ब्राउन कलर के अंदर आप थोड़ा सा व्हाइट कलर मिला लो और उसको लाइट कर लो, और एक प्रोसेस है आप ब्राउन कलर के अंदर थोड़ा सा येलो कलर यानी कि पीला कलर मिला दो तो वो भी एक तरह का लाइट कलर हो गया है। लेकिन ये दोनों दो तरह का एक लाइट कलर है। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, जहाँ पर सूरज का रोशनी ज़्यादा गिर रहा है वहाँ पर मैंने वो जो वाइट वाला लाइट कलर यूज़ किया है, और जहाँ पर हमको लकड़ी का जो नॉर्मल कलर है वो हमको दिखाना होगा तो वहाँ पर मैंने वो जो पीला वाला ब्राउन कलर यूज़ किया है। तो इसके बाद इस लकड़ी को और भी अच्छे तरीके से पेंट करने के लिए ब्लैक कलर और थोड़ा बहुत वाइट कलर, ये सब कलर से इस लकड़ी को और अच्छी तरह से पेंट करना होगा। तो देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे कर रहा हूँ, एक छोटा सा तुली लिया है और उसके बाद हमने ब्लैक कलर, वाइट कलर और थोड़ा सा पीला कलर, ऐसे सब कलर मिला के इस सारे के सारे लकड़ी को हमने पेंट कर दिया है। तो अभी ये जो घर लग रहा है, लकड़ी का घर, ये जो लकड़ी है बहुत ही अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए हमको क्या करना होगा, अभी ये जो पक्षी का जो घर है, इस पक्षी का घर का जो दरवाज़ा है वो दरवाज़ा हमको पूरा का पूरा गोल पेंट करना होगा, यानी कि हमारा जो इंसान का जो घर है उसकी दरवाज़ा और जो पक्षी का घर का जो दरवाज़ा है वो थोड़ा अलग होगा, और अब अगर अलग ही पेंट करेंगे तो वो दिखने में अच्छा लगेगा। तो इसीलिए मैंने उसका दरवाज़ा है पूरा का पूरा गोल पेंट कर दिया है, ठीक है, यानी कि सर्कल। तो यहाँ पे ऐसे करके जो दरवाज़ा हमने पेंट कर दिया है तो ये जो घर है ये अभी देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अभी देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर हमारा ये जो घर है ये कंप्लीट हो गया है पेंट करना। अभी इस घर के आसपास थोड़ा पेड़ पौधे ये सब देंगे, यानी कि गाछ का जो पत्तियाँ है पेड़ का उस पत्तियाँ को हम दे देंगे तो दिखने में अच्छा लगेगा, और उसके बाद इस पत्ते के साथ दो चार फल भी हम लटका देंगे तो वो भी देखने में अच्छा लगेगा।
तो देखिए हमने जो सिंपल तरीके से ये जो पत्तियां है ये हमने पेंट कर रहा है। पहले कुछ पत्तियां हमने डीप ग्रीन कलर से पेंट कर दिया है और उसके बाद कुछ पत्तियां हमने थोड़ा सा लाइट कलर से हाईलाइट कर दिया है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ऐसे करके हमको ये जो पत्तियां है ये हमने पेंट कर दिया है। अभी यहाँ पर कुछ फल को पेंट कर देना होगा। तो देखिए मैंने क्या किया है, फल को पेंट करने के लिए थोड़ा सा डीप रेड कलर और उसके ऊपर मैंने पिंक कलर से इसको हाईलाइट कर दिया है और उसके बाद थोड़ा सा वाइट कलर। तो ऐसे करके ये जो फल है इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है और ये दिखने में थोड़ा बहुत जो स्ट्रॉबेरी होता है उसके जैसा लग रहा है। तो ये जो फल है दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है यार, यानी कि जो पक्षी का जो घर है, घर के सामने ऐसा फल, तो ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी देखिए, अभी हमारा जो घर जो है वो भी पेंट करना हो गया, घर के सामने कुछ पत्तियां हो गया। अभी ये जो जिनका घर है यानी कि जो पक्षी का घर है, अगर यहाँ पे पक्षी ना हो तो कैसा लगेगा, अच्छा नहीं रहेगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर मैंने ये जो पक्षी है ये यहाँ पे मैंने दो पक्षी मैंने पेंट कर रहा हूँ। एक पक्षी है जो घर के अंदर है और दूसरा है जो घर के बाहर है। तो घर के अंदर है उसका तो पूरा शरीर नहीं दिख रहा है क्योंकि वो घर के अंदर है, और एक पक्षी है जो घर के बाहर है, तो उसको हम अच्छी तरह से पेंट करेंगे, ठीक है। तो ये जो पक्षी है इसको पेंट करने के लिए बहुत सारा तरीका है, लेकिन मैंने आज जो पक्षी मैंने पेंट किया है वो एक नीला पक्षी है, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने जो स्काई ब्लू कलर है उस कलर से मैंने पहले इस पक्षी का जो ऊपरी हिस्सा है यानी कि पक्षी का सर, पंख और पूंछ, ये सब मैंने ये जो स्काई ब्लू कलर है इससे पेंट करूँगा, और पक्षी का जो नीचे का हिस्सा है यानी कि पेट, उसको मैंने क्या किया है देखिए, वाइट कलर दिया है पहले और उसके बाद ऑरेंज कलर, येलो कलर से हमने अच्छी तरह से इस पक्षी को पेंट कर दिया है, ठीक है। तो अभी देखिए हमारा जो पक्षी वो पेंट करना हो गया है, बहुत ही सिंपल तरीके से पेंट किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पक्षी पेंट करना ये बिल्कुल भी समझ में आ चुका है, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल से तरीके से मैंने आज के पक्षी को पेंट किया है, ठीक है। तो अभी देखिए हमारा ये जो पेंटिंग है ये बिल्कुल भी कम्प्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स ये रही हमारी आज की पेंटिंग। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये पेंटिंग बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं आज के इस पेंटिंग में कौन से कलर को यूज़ किया हूँ और कौन से पेंटिंग बोर्ड पर मैंने आज की ये पेंटिंग की है, तो उसके लिए मैंने दो अलग से वीडियो बनाया हुआ है। एक वीडियो है मेरा इस कलर के बारे में और दूसरा है मेरा इस पेंटिंग बोर्ड के बारे में। तो वो दोनों वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रखा है। अगर आपको अभी भी डाउट है कि मैं आज की इस पेंटिंग में कौन सा कलर यूज़ किया और कौन सा पेंटिंग बोर्ड यूज़ किया हो, तो आप जाके वो दोनों वीडियो देख लीजिएगा, आपको पूरा का पूरा डाउट बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जिन लोगों ने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है वो ज़रूर से जाके मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।